बड़ी खबर मिल रही है निरसा से, जहां बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही महिला से छिनतई की जानकारी सामने आ रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक दो बाइक सवार उचक्कों ने महिला से छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। एसबीआई कुमार धोबी शाखा से निकासी कर करीब 1,00,000 रुपए लेकर महिला बाहर निकली ही थी कि बाइक सवार अपराधियों ने झपट्टा मारकर पैसे छीन लिए। पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई है, पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बैंक के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। कुमार धोबी मैथन रोड में मैथन सेरेमिक के पास की ये घटना है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं निरसा से, जहां बैंक से करीब 1,00,000 रुपए निकालकर घर जा रही महिला से बाइक सवार अपराधियों ने झपट्टा मारकर पैसे छीन लिए और फरार हो गए। एसबीआई कुमार धोबी शाखा से पैसे निकालकर महिला घर जा रही थी, इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने महिला को निशाना बनाया और झपट्टा मारकर करीब 1,00,000 रुपए छीन लिए। सूचना पर जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। कुमार धोबी मैथन रोड के मैथन सेरेमिक के पास बाइक सवार अपराधियों ने महिला से 1,00,000 के करीब रुपए छीन कर फरार हो गए। दो बाइक सवार अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। निरसा से इस वक्त की यह बड़ी खबर, बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े छिनतई की वारदात को अंजाम दिया है। क्या और जानकारी मिल पा रही है इस बारे में, जानते हैं अपने संवाददाता राजेश से। जी राजेश, पूरी जानकारी चाहेंगे छिनतई के इस वारदात के बारे में। जी बिल्कुल, जिस तरह से दीपक, सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि जिस क्षेत्र में छिनतई हुई है उस क्षेत्र में पिछले 1-1.5 साल के अंदर कम से कम आधा दर्जन छिनतई हो चुकी है और लगातार उस जगह पे छिनतई घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और आज एक महिला जो मुकमा की रहने वाली है अपने बेटे के साथ एसबीआई कुमारधुवी शाखा से 1,00,000 रुपए की निकासी करके घर जा रही थी, उस दरमियान ये घटना घटी है। और चूंकि वो एक जहां पे घटना घटी है ऐसे देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया है और रिहायशी इलाका के तौर पे देखा जाता है, लेकिन कई बार वहां पे दुकानों में भी सेंध लगी है और दुकान में डकैती भी हुई है। उसके बाद इस तरह की छिनतई घटना लगातार पुलिस के लिए चुनौती का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि इस तरह के घटना पे अंजाम पुलिस माफ कीजिएगा इस तरह की घटना पर जो है लगाम नहीं लगा पा रही है पुलिस। और जो आज की घटना है, एक मां और बेटा बैंक से पैसे निकासी करके जा रहे थे, उस दरमियान उसके थैले को झपट्टा मारकर अपराधी फरार हो गए, जिसके बाद मां बेटे ने मिलकर पुलिस मैथन पुलिस को इसकी शिकायत की और पुलिस जो है वो कुमारधुवी शाखा जो बैंक परिसर है वहां पहुंच करके सीसीटीवी के फुटेज को खंगाल रही है। जो भी सुराग मिलेगी उस पर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। दीपक जी धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। राजेश, तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, उम्मीद की कोई सुराग अपराधियों का मिल जाए और फिर इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है और पुलिस छानबीन में जुट गई है। बैंक से 1,00,000 रुपए निकालकर महिला घर जा रही थी, तभी बाइक सवार अपराधियों ने छिनतई की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि इस घटना में शामिल अपराधियों के बारे में कोई सुराग पुलिस को मिल जाए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसी एसबीआई शाखा से पैसे निकालकर महिला घर जा रही थी, तभी बाइक सवार अपराधियों ने छिनतई की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। यह पीड़ित महिला जो बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही थी और बाइक सवार अपराधियों ने झपट्टा मारकर महिला के पास मौजूद 1,00,000 रुपए के करीब छीन कर फरार हो गए। बजे आए बैठा।
छीनके मार दिया खाता सब बहन का सब हमारा तो आदमी चला गया लेकिन कितना पैसा था 1,00,000 हम कब के आए कहाँ पर बताइए वो रोड में जाते थे जो लाछीन के चल गया हमारा पटक दिया पैदल था कि गाड़ी से था नहीं गाड़ी से बटवा था और वो लोग पैसा बैंक पर था दो आदमी एक आदमी शहर में नहीं देखा एक देखा मोटा खाता बुल्लू टाइप के अंगा पिलना था और कत्थी रंग रुमाल बांधना था मुंह में कहाँ रहते हैं वही देखे हम लोग मोगमाम रहते हैं हमारा मालिक सिक्योरिटी गार्ड था डेट कर दिया।